तो ये है Redmi 8 और जैसे कि बहुत सारे डिवाइस आप देख रहे हैं, तो आज हम करने वाले इसका USB OTG टेस्ट। और बहुत सारे डिवाइस है हमारे पास, जैसे कि दो माउस है, एक वेयर वायरलेस है, एक कीबोर्ड है और एक हार्ड ड्राइव है और एक पेन ड्राइव है। ये सबको हम देखेंगे ट्राई करके कि यहाँ पे ये OTG किस तरह काम कर रहा है, सिर्फ माउस काम कर रहा है या सब के सब काम कर रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और ये जितने भी डिवाइस है ये मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये जानना है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि बताया कि आज OTG टेस्ट करेंगे, उससे पहले मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, सब भी दिखा दूंगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे कनेक्टर, ये है एक टाइप सी कनेक्टर। और बहुत लोग पूछे कहाँ से खरीदा हूँ, तो भाई लोकल शॉप से ये 30 रुपये में मिलता है, तो इसको खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको इंसर्ट करके देखेंगे, तो ये देखिए इंसर्ट कर दिया हूँ मैं। और सबसे पहले मैं आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, पेन ड्राइव काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर ये ऑप्शन, तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट को, यानी कि अभी हम ट्राई करते हैं माउस को, जो कि है एक वायर वाला माउस। तो इसको मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और आप बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार थोड़ा मूवमेंट भी करके देखते हैं हम, तो ये देखिए काम कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब हम ट्राई करते हैं कीबोर्ड को और उसके बाद मैं दिखाऊँगा आपको वायरलेस वाले माउस को कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया है, तो ये देखिए कॉन्फ़िगर ये फिजिकल कीबोर्ड। और यहाँ पे हम नोट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, अलाव अलाव अलाव, बहुत सारे अलाव कर दिया हम अलाव। तो अभी कुछ टाइप करके देखते हैं, तो ये आप देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये काम कर रहा है, टाइप हो रहा है, जो कि कीबोर्ड से मैं कर रहा था बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। अब वायरलेस वाले माउस को हम कनेक्ट करके देखते हैं और उससे ही हम इसको डिलीट करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे ये वायरलेस वाला काम कर रहा है और इसको हम बैक करते हैं और यहाँ पे देखिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से वायरलेस वाला माउस भी काम कर रहा है। अब आपको मैं हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके दिखाता हूँ और उसके बाद USB हब में आपको सब डिवाइस को कनेक्ट करके दिखाऊंगा एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो अब हार्ड ड्राइव को हम कनेक्ट करके देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये तो लाइट अप हो गया है, आप देख सकते हैं लाइट अप हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखाता है ऑप्शन में वो हम देख लेते हैं। तो इशू विद तोशिबा हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है और ये हमेशा MIUI डिवाइस में ही होता है, जितने भी Redmi सीरीज है उसमें ही काम नहीं करता। अदरवाइज Realme हो गया या फिर हमारा Asus का फोन है उसमें आराम से काम करता है। तो हार्ड ड्राइव यहाँ पर काम नहीं करता है, लेकिन बाकी जो फ़ोन है Realme वगैरह वहाँ पर ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HP USB ड्राइव दिखा दिया है और फिजिकल कीबोर्ड भी दिखा दिया है। तो यह पेन ड्राइव भी बहुत ही आसान से सपोर्ट कर रहा है और साथ साथ यहाँ पे आपको वायरलेस माउस भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए वायरलेस माउस, यहाँ पे आपको कुछ नोट में क्लिक करके मैं दिखाता हूँ काम करता है कि नहीं। तो ये है नोट और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और जो उस टाइम हम टाइप किए थे उसको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कीबोर्ड से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कीबोर्ड से बहुत ही अच्छी तरह से ये बैक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो कीबोर्ड भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है और साथ साथ जो वायर वाला माउस है उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर वाला माउस है, अब इससे हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सब काम कर रहा है और इससे पता चलता है कि हार्ड ड्राइव को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे बहुत ही आसानी से वर्क कर रहे हैं। वायरलेस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, ये सब बहुत ही आसानी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो इतना ही, और आई होप ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे OTG में क्या कुछ सपोर्ट करता है इस फोन में, और इसके थ्रू आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिलेगा जो कि होगा इस कलर का। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे कि बने चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।